केति आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपस्येद परिहारोपस्थापना। आलोचना करना, गुरु के सामने जाकर बालकवत सरल होकर के अपने दोषों का निवेदन करना, ये आलोचना कहलाती। अपन लोग दूसरे की निंदा करते हैं, इसमें क्या करना है? अपने दोषों की निंदा करना, कन्फेशन, कह देना कि मेरे से ऐसा हो गया, ये आलोचना कहलाती। प्रतिक्रमण, किए गए अपराध के प्रति ये मेरा दोष समाप्त हो, मिथ्या हो, ऐसा निवेदन करना और फिर अपने आप में उनका निराकरण कर लेना, तो दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण कहलाता। और जब हम आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करेंगे तो वो तदुभय, दोनों का मिक्स, आलोचना भी और प्रतिक्रमण, तो ये तदुभय कहलाएगा। विवेक करना, जिस अन्य से, जिस उपकरण से, जिस भी माध्यम से अपने अशुभ परिणाम हो गए हैं, उन चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ताकि मेरे अशुभ परिणामों से मैं बच चाहूं। द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, सभी इन चारों को, उस द्रव को छोड़ देना जिससे अशुभ भाव हो रहा है, उस क्षेत्र को छोड़ देना, उस काल को छोड़ देना और उन भावों को भी त्याग कर देना, ये सब विवेक नाम का प्राश्चित है। ऐसा दिया जाता है कि देखो तुम्हारी लोलुपता इस चीज में ज्यादा है, तुम जा छोड़ दो, ये प्राश्चित है तुम्हारा, है? तुमने भूल से ये चीज ग्रहण कर ली, चलो अब एक दिन के लिए और वो चीज छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति राग भाव जागृत हो गया, तो उसी चीज को फिर छोड़ो, ये विवेक हो गया। विसर्ग, दो ध्यान एक निश्चित समय के लिए कायोत्सर्ग इत्यादि दे देते हैं कि इतने कायोत्सर्ग करो उस जगह स्थान पर जाकर के, यही तप है कर्मों की निद्रा के लिए, तो ये कौन सा कहलाएगा? प्राश्चित तप। प्राश्चित के रूप में कायोत्सर्ग भी दे सकते हैं और 12 प्रकार के तप भी दे सकते हैं प्रायश्चित के रूप में, कि आज उपवास करना, ऊनोदर कर लेना, इस तरह से, तो ये तप भी उसी के अंतर्गत आ गए, प्राश्चित के अंतर्गत। और छेद, दोष का परिहार करने के लिए कुछ समय के लिए दीक्षा का छेद कर देते हैं। हाँ, कोई अहंकारी हो, दीक्षा का छेद जो है वो अच्छे सहनन वाले को, जो कि सहन कर सके, उसी को किया जाता है, दिया जाता है। जिस सब प्राश्चित जो है, आचार्य भगवान जानते कि कौन को कौन सा दिया जावे, ऐसा ना हो कि प्राश्चित लेकर के और संकलेश हो जावे, सुकर्म और बन जाएंगे। प्राश्चित संकलेश के लिए नहीं है, प्राश्चित तो मन की शुद्धि के लिए है। छेद प्राश्चित दे दिया जाता कि अहंकार कम होवे, कल तक जिनसे नमोस्तु करवाते थे और अपने को बड़ा मानते थे, अब तुम्हारी दीक्षा कम कर दी, बे तुमसे पहले आहार को उठेंगे, तुम बाद में उठना, सहन करना, ये प्राश्चित हो गया छेद नाम का। दीक्षा घटा दी, तो जो पुराने नए लोग थे वे सीनियर हो गए, आप जूनियर हो गए, इस तरह से जो है छेद नाम का परिहार। अपने संग से दूसरे संग में भेज दिया कि जाओ इतने एक साल के लिए उस संग में रहना, उन्हीं आचार्य की आज्ञा में रहना, उन्हीं से प्राश्चित इत्यादि लेना, इस तरह से, तब ये परिहार नाम का उपस्थापना। बड़े दोष हो जावे तो पूरी दीक्षा समाप्त करके नए सिरे से फिर दीक्षा देना, ये उपस्थापना। ये छेद, परिहार और उपस्थापना, ये तीनों प्राश्चित अब जो है आचार्य महाराज कहते कि ये अब सहन करने योग नहीं रहे, इसलिए इनको कदाचित कोई को देवे तो देवे, अन्यथा ये नहीं दिए जाते। ये वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले ही इस प्राश्चित को कर पाते हैं, नहीं तो बहुत संकलेश होता है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराह, विनय जो है, ज्ञान की विनय करना है और दर्शन की विनय करना, आदर भाव रखना, उनके सामने आने पर विनय पूर्वक खड़े हो जाना, उनको स्थान देना, आसन करना, नमस्कार करना, ये सब उपचार विनय कहलाएगी। ये विनय भी तप है, कर्मों की निद्रा इससे भी होती है, लेकिन अंतरंग में परिणाम अच्छे होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बटरिंग कहलाने लगती। क्या बहुत फर्क है? विनय का मतलब चापलूसी नहीं, विनय का मतलब तो अंतरंग में उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उनके गुणों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम, वैयावृत्ति 10 प्रकार की कही गई, क्योंकि 10 प्रकार के साधु हैं, अलग अलग आचार्य हैं, सब समझते हैं, जो व्रतों का स्वयं आचरण करें, दूसरे से भी कराएं, वे आचार्य हैं, उनकी सेवा करना। उपाध्याय, जो मुनिजनों को अध्ययन कराते वो उपाध्याय हैं। महातप करने वाले, दो दो आठ आठ दिन के, 15-15 दिन के, मास मास के उपवास करने वाले महातपस्वी हैं, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करना। सैक्ष हैं, जो निरंतर अपने ज्ञान और ध्यान में लगे रहते, अध्ययन करते रहते हैं, वे सैक्ष कहलाएंगे। और ग्लान, जिनकी की शरीर रोग से ग्रसित है,
उनकी सेवा करना। जो चिर दीक्षित साधुओं का समूह है, दो या तीन साधुओं के जो कि चिर प्रवर्जित हैं, वर्षों से दीक्षित हैं, उनके समूह को गण कहते हैं और सात आठ के समूह को गच्छ कहते हैं, इतना फर्क है। और कुल दीक्षा देने वाले आचार्य की जो परंपरा है वो कहलाएगा कुल, उसकी सेवा करना। संघ का अर्थ होता है चार प्रकार का संघ, मुनि आरिका श्रावक श्राविका या फिर ऋषि मुनि यति और अनगार, ये चार प्रकार का। ऋषि कहते किसे कहते, रिद्धिधारी मुनि महाराज को ऋषि कहते, वर्तमान में कोई रिद्धिधारी नहीं है। और यति किसे कहते, जो श्रेणी में चढ़े हुए हैं वे यति कहलाते, वे भी नहीं है। मुनि किसे कहते, मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त हैं वे मुनि कहलाते हैं, वे भी आज नहीं है। आप तो फोकट में है कहते हमारे लाने मुनि, अगर देखा जाए कहां है अवधि ज्ञान, कहां है मन परे ज्ञान, उसको कहेंगे मुनि जिसके अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान है वास्तव में। तो हम कौन से कहलाएंगे, सामान्य अनगार ग्रह का त्याग करने वाले हैं। लेकिन अनगार शब्द लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुनि शब्द का प्रयोग उपचार से होता है, हैं? ऐसा चार प्रकार के हैं। और साधु किसे कहते, अपन तो सामान्य रूप से सबको साधु कहते, कहते भाई जिन्होंने वर्षों हो गई दीक्षा लेकर चिर प्रवर्जित मुनि को साधु कहते हैं। यहाँ पर ऐसी परिभाषाएं हैं भैया। और मनोज्ञ कौन है, जो दीक्षा के सम्मुख है, अभी दीक्षा बस अगले क्षण होने वाली है, ऐसे की भी सेवा वो कहलाएगा मनोज्ञ, या कि लोक में पूज्य है जो सबके लिए, उस साधु को भी मनोज्ञ कहते हैं। इन सब की यथायोग सेवा करना। स्वाध्याय के पांच भेद हैं, वाचना प्रश्नानुप्रेक्षा मनाय धर्मोपदेशः। वाचना अर्थात गुरु के मुख से निर्दोष रीति से सूत्र का अध्ययन करना वाचना कहलाएगी। सेल्फ स्टडी का नाम वाचना नहीं है, बहुत लोग करते सेल्फ स्टडी, किताब पलट ली आपने पढ़ ली पूरी, वाचना नहीं, पढ़ के सुना दी दूसरे को, वाचना नहीं। गुरु के मुख से निर्दोष रीति के द्वारा उसके पाठ और अर्थ दोनों को समझते हुए जो स्वाध्याय किया जाए वो वाचना नाम का स्वाध्याय कहलाएगा। अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए, या कि कोई बात ठीक से निर्णीत नहीं हो पा रही उसके निर्णय करने के लिए पूछने का नाम प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। और पड़े हुए खो बार बार मन में चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। बार अनुप्रेक्षा करने का नाम नहीं, जो अपन ने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करना, उसका चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और जो पढ़ा है उसको शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना, ये आमनाय नाम का। आज आमनाय नाम का स्वाध्याय बहुत कम देखने में, वैसे भी अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय प्रश्ना वाचना भी बहुत कम देखने में, एक ही देखने में आता धर्मोपदेश, जो उनको बिठार दो गद्दी पे वो बोलन लगा। चाहे वाचना गुरु मुख से सुनी हो चाहे न सुनी हो, प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कभी किया हो चाहे नहीं किया हो, चिंतन मनन किया हो चाहे नहीं किया हो, आमनाय को दो चार दस श्लोक भी नहीं आते हों, अरे ज्ञान सागर जी महाराज को 10,000 श्लोक प्रमाण याद था। आचार्य महाराज कहते कि कम से कम 1,000 श्लोक जो आचार्यों के लिखे हैं वो कंठस्थ होना चाहिए, कम से कम उनका रोज पाठ करें। वह पाठ करना ही आमनाय नाम का स्वाध्याय है। ऐसा नहीं समझना कि बिना अर्थ के पाठ करेंगे तो कोई सार नहीं, अरे मुख पवित्र हो जाता है क्योंकि भगवान की कही हुई सूत्र हैं, भगवान की कहे हुए श्लोक हैं, इन सबको ऐसा मान के जो सिर्फ पाठ करता है वह भी आमनाय नाम का स्वाध्याय करता है। और धर्मोपदेश तो सब समझते हैं, धर्म की चार बातें, लेकिन कैसे सुनाना, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं, करुणा पूर्वक जीवों का हित हो ऐसी भावना से जो जिनेंद्र भगवान की वाणी कही जाती है वो धर्मोपदेश कहलाएगा। इस तरह ये स्वाध्याय ये भी तप है, इससे कर्मों की निर्जरा। तो देखो कर्मों की निर्जरा कब होगी, अगर अपनी पंडिताई बतावे कि लाने करोगे तो कर्म बंधेंगे, और अगर जीवों के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए कि स्वाध्याय करूंगा चार बातें धर्म की आपके माध्यम से मैं भी पढ़ूंगा तो इसमें कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा भाव रखना चाहिए। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार की उपधि का त्याग करना यही विसर्ग है। बाह्य में तो धन धान इत्यादि है उसका त्याग कर दिया, और अंतरंग में क्रोध आदि कषाय हैं। 10 प्रकार के परिग्रह का, बाह्य परिग्रह का त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग बहुत कठिन है। कौन सो त्याग भव अवे तक, क्रोध पूरी तरह चलो गो, कौनों कषाय गई एकाद, कहती बहुत कठिन है। अंतरंग परिग्रह तो हमेशा
लगा हुआ है अंतरंग परिग्रह से बचना, ये अंतरंग उपाधि कहलाएगी। और बाह्य में तो 14 कौन कौन से, मिथ्यात्व और 4 कषाय सुख हैं, कितने हो गए, और नौ कषाय, हाँ नौ कषाय, हास्य रत रति जुगुप्सा शोक स्त्री पुण्य पुंसक वेदा, जिन नौ कषाय हैं और 4 कषाय हैं क्रोध मान माया लोभ, सो 13 और 1 मिथ्यात्व, ये 14 अंतरंग के परिग्रह हैं, अंतरंग उपाधि कहलाती है। इस तरह इन सब का त्याग करना ये विसर्ग नाम का तप है। अब जो है ध्यान की चर्चा शुरू हो गई, अपन इस ध्यान में से भी 2-3 सूत्र करेंगे, बाकी के सूत्र छोड़ देंगे 36 के बाद 37वें सूत्र से इस अध्याय के 45 सूत्र तक, और बाकी 10 आगे वाले अध्याय के जी अपन कल करेंगे, आज इतना ही और 4-5 करेंगे। सूत्र नंबर, कछु गलती हो गई तो सुधार दें भैया, हैं हाँ, पात्र का मतलब बर्तन लिया है। मुनि महाराज भीतर चले गए चौका में और देखा उनने कि स्टील की थाली में सबरो सामान धरे हैं, नहीं चांदी की में धरे हुई हैं तो ले, नहीं तो दिए चले बाहर। हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सो आनंद, उनको तो नहीं मिलने में आनंद है, ऐसा प्रतिबल संख्यान है। हमने नहीं सुनाया था आपको कि उसमें खुरई में, और हमने सोचा कि को देता अपन को चांदी में, चांदी के गिलास में, तो आज अपन चांदी के गिलास में नहीं लेंगे। अब हम गए सुबह तो हमारी काढ़ा जो लेते थे दवाई वही चांदी के गिलास में लिए खड़े थे शराब जी, हमें हंसी आ गई वहीं पर आहार में कि देखो हमने पहली बार तो ऐसा सोचा और आज ही जो है ये इसमें लेके आए, हमने नहीं लिया, नहीं लिया तो उन्होंने आचार्य जी से शिकायत कर दी कि महाराज ने दवाई ले गए थे वो तबीयत खराब है और ली नहीं। आचार्य जी ने बुलाया, इधर आओ, क्या बात है क्यों नहीं ली? महाराज हम क्या करें, वो हमने आज सोचा कि चांदी के में नहीं लेंगे और आज ही वो उसमें दवाई लेके चले गए। अरे कहने ऐसा परीक्षा एक ही दिन में हो गई, ये पात्र की व्यक्ति है तो ऐसा सोच लिया कि इस तरह लेंगे तो उसमें भी परीक्षा हो जाती, कर्मों की निर्जरा के लिए कारण है। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात्, उत्तम सहनन वाले एक विषय में अगर अपने चित्त को रोक कर एकाग्र हो जावे तो जो ध्यान है वो अंतर मुहूर्त तक होता है और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरुद्धो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, एक अंतर मुहूर्त ही हो सकता उत्तम सहनन के साथ, अगर किसी एक विषय में ही एकाग्र हो गए, अपने चित्त की वृत्ति को सब तरफ से रोक करके एक विषय में एकाग्र हो गए तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। ध्यान यह है, वास्तव में तो ध्यान वही है जो साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, कहना ये चाह रहे यहां पर। और वैसे अगर देखा जाए तो आर्थ रौ धर्म शुक्लानी, आर्थ ध्यान रौ ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेजते, ध्यान 4 प्रकार का है, परे मोक्ष हेतु, आखिरी के 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के कारण है। इसका मतलब ये अपने आप निश्चित हो गया कि आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है। आर्थ का मतलब होता है दुख, जिसमें कि हम अंदर अंदर पीड़ा महसूस करते हैं, निरंतर उसी पीड़ा का चिंतन करते रहते, वो आर्थ ध्यान कहलाता। रौद्र ध्यान क्या कहलाता, जो क्रूर भाव है, रुद्र अर्थात क्रूर, जो अपने भीतर दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके सुख होता है वो बड़ा क्रूर भाव है। झूठ बोल करके जो हर्ष और आनंद अपने भीतर हो अगर, तो वो अपना भाव क्रूर है, वो रौद्र ध्यान है। इस तरह ये रौद्र ध्यान है, अच्छे भाव है, सदाचार का पालन है तो धर्म ध्यान है, और अत्यंत निर्मल परिणाम हो, एकाग्रता हो, वो शुक्ल ध्यान है। मोटी परिभाषा है, जिसमें स्वयं को की पीड़ा का विचार है वो आर्थ ध्यान, जिसमें दूसरे को पीड़ा देने का विचार है वो रौद्र ध्यान, और जिसमें अपने आत्मा के कल्याण का के लिए एकाग्रता है वो धर्म ध्यान, जिसमें अपने आत्मा के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार है वो शुक्ल ध्यान। देखो ऐसी परिभाषा बनाना हो तो सरल परिभाषा ये है, आर्द्र मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्ध्यान कैसे होता,
कोई वस्तु अपने को अमनोग अर्थात अप्रिय है और उस वस्तु का संयोग हो गया। अब अनिष्टकारी अप्रिय वस्तु अपन को मिल गई तो अब निरंतर क्या विचार चलता, कब इसका वियोग होवे, कब इसका वियोग होवे, इसी का चिंतन चलता रहता है। ये कहलाएगा अनिष्ट संयोग नाम का आर्थ ध्यान। विपरीतम मनोज्ञस, अब कोई प्रिय वस्तु है और उसका वियोग हो गया तो कब उसका संयोग हो, कब उसका संयोग हो, इस तरह निरंतर जो विचार चलता रहता है वो कहलाएगा इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज नाम का आर्थ ध्यान। और वेदनायाश्च, शरीर में कोई व्याधि हो गई, अब हम आंखों काय हो गई और जिंदगी निकल गई, अब ये कब ठीक होगी, होगी कि नहीं होगी, इसी गुड़ा भाग में लगे हुए, तो ये कहलाएगा पीड़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान। ये अपन करते रहते हैं, इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर, पीड़ा होने पर, इन्हीं में अपना मन लगा रहता है घंटों, तो ये सब आर्थ ध्यान है। और निदानम चा, अबे तो सब ठीक चल रहा हो, कल का पता का हुई है, कल की चिंता है, संजा की चिंता है, और ये जीवन की नहीं तो अगले जीवन की चिंता है कि पता नहीं क्या होगा। अरे पताखों का कन्ने पता, अबे उपद्रव कर हो तो आगे बिगड़ने हैं, और अबे अच्छा करोगे तो आगे अच्छा होगा, अब इसमें चिंता करने की क्या बात, नहीं तो चिंता भी कर रहे और उपद्रव भी करते जा रहे, अपने हाथ से अपना आहित भी करते जाओ और कहो कि हम तो आगे के लिए चिंतित हैं बहुत। कहती नहीं, ऐसी चिंता व्यर्थ है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, चिंतित होने की बात ही नहीं। निदानम, भावी भोगों की आकांक्षा नहीं करना ये, और अगर भावी भोगों की आकांक्षा है तो वो निदान कहलाएगा। दो प्रकार का होता, लेकिन एक प्रशस्त होता और एक अप्रशस्त होता है। आगे हमें अच्छा शरीर मिले जिससे तपस्या करें तो जी प्रशस्त है, आगे हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिले, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण मिले, इन सब का अगर हम विचार रखते हैं तो प्रशस्त वो भला है। लेकिन अपने पांच इंद्री के भोगों का अगर आगे संयोग होवे, ऐसी चिंता हमेशा करती रहती तो वो अप्रशस्त निदान कहलाएगा। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, ये जो है किस किस के लिए होता आर ध्यान, अविरति को तो होता ही है, देश व्रति को भी हो होता है, और प्रमत्त संयत के भी आर्त ध्यान होता है, लेकिन निदान नाम का आर्त ध्यान उन्हीं जनों के नहीं होता है। कभी कभी और कदाचित इष्ट के वियोग, अनिष्ट के संयोग और पीड़ा के चिंतन से आर्त ध्यान